आज में हमारे साथ राजा बशारत साहब है, वजीर कानून पंजाब। और जाहिर सी बात है, चूंकि कल एक जलसा है, ऑपोजिशन उस पर बिल्कुल डटी हुई है कि ये जलसा होगा। अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किए कि वो जा रही हैं जलसा गा का इस वक्त मुआयना करने, तो वो वहां बस पहुंचने ही वाली होंगी। राजा साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि दो तीन सवाल आज जो शिकवे गिले हमेशा ऑपोजिशन के रहते हैं, लेकिन वो पूछना जरूरी है। क्या हुकूमत रात को कंटेनर से बंद करने जा रही है इलाके? अभी तक नहीं बंद हुए, लेकिन कुछ इत्तलात हैं कि अब कुछ देर बाद आप लोग कंटेनर्स खड़े कर देंगे, रस्ते वगैरह ब्लॉक करेंगे। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश ही करना चाहूंगा कि ये जो इनको जलसा की इजाजत ना देने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि इस वक्त जो पंजाब में कोविड के हवाले से जो इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और इस पे मैं समझता हूँ कि एनसीओसी का भी कंसर्न था, इस पर अदलिया का भी कंसर्न था, इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी कंसर्न था, और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जलसे अपोजिशन को कहा कि आप जलसा ना करें। और अगर आप, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा कि जो लाहौर में हाईकोर्ट लाहौर ने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने जहां पर गवर्नमेंट को इस बात का पाबंद बनाया कि वो लोगों की सेहत का ख्याल रखे और जो एसओपी एनसीओसी की तरफ से दी गई हैं या महकमा सेहत की तरफ से दी गई हैं उन पर अमल दरामद करवाए, और उसके साथ ही उन्होंने अपोजिशन के हवाले से बात की और आइन के मुतलका आर्टिकल को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जहां हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो एसओपी पर अमल दरामद करे, आम शहरी और बिलखसूस पोलिटिकल पार्टीज का भी ये फर्ज बनता है कि वो अवाम की जान और माल के तहफ्फुज के लिए जो हदायत आए उन पर अमल दरामद किया जाए। ये तो इसकी बैकग्राउंड थी। मैं गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि अब जलसे की इनको इजाजत नहीं मिली, लेकिन इन्होंने मतलब इस बात पर बजिद हैं कि हमने जलसा करना अभी है। अभी क्या होगा, फिर गिरफ्तारियां होंगी, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, ये आप लोग अभी करेंगे रात को? मैं समझता हूँ इस वक्त तक हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, इस वक्त तक लाहौर में कोई कंटेनर नहीं लगा, और आप देख लेंगे कि ये सारे अब बहाने हैं, गिरफ्तारियां भी बहाने हैं, कंटेनर्स भी बहाने हैं। इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा मीडिया इस बात का शायद है कि ना तो कोई कंटेनर लाहौर में लगा है और ना कोई गिरफ्तारी हुई अभी नहीं, लेकिन अगले तीन चार घंटों में सुबह से पहले पहले कुछ मुतवक्के है गिरफ्तारियां, कंटेनर? ये मैं निकटती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमने ये चाहते हैं तसादम, इस वक्त अपोजिशन तसादम चाहती है, और तसादम के का बहाना बनाकर ये कहा, ये सिचुएशन को खराब करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि हमने कतई तौर पर इनको मौका, किसी भी कोई भी मौका नहीं देना कि जिसको ये एक्सप्लॉइट। अभी आप कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी, कोई कंटेनर नहीं होगा कल, जब ऑब्वियसली ये लोग मार्च करेंगे, बिकॉज अब ये होने जा रहा है, वो नहीं रुकने वाले। काश रुक जाते, मेरी ख्वाहिश थी कि इस वक्त कोविड में ना होता, फिर क्या होगा? मैं पूरी कौम देख रही है कि ये ज्यादती किस तरफ से हो रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का ये रवैया जो है, ये धर्मी जो है, ये कतई तौर पर कौमी मुफाद में नहीं है। हुकूमतें जो है उन मतलब रेट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना हुकूमतों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं है। अगर आज हम लाठी के जोर पर या डंडे के जोर पर या जबरदस्ती कोई काम करवाना चाहेंगे तो आगे ये तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, आगे इनके कारकुन हैं, वो कारकुन जो एक तरफ कोरोना का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो डंडे खा रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको सोचना चाहिए था कि अपनी जाने इन्होंने महफूज की। एक और बात है राजा साहब, ये वफाकी काबीना की तरफ से आज ये जाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 में तरमीम की गई है, और उसके बाद हुकूमत बगावत और बगावत पर उकसाने के मुकदमात कायम कर सकती है, सूबाई हुकूमतें भी कर सकती हैं। So, इस किस्म की कोई तजवीज जेरे गौर है कि भाई इसे मुकदमात कायम किए जाएं कल के जलसे के बाद? अभी अभी तो आप कह रहे कुछ नहीं। देखिए, कल के जलसे के बाद मैं समझता हूँ कि एक तो जो लोग कानून को हाथ में लें, मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किस हद तक खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से हमारा ये रहा है, और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो शख्स कानून को हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ हरकत में जरूर आएगा। लेकिन साथ ही एक सवाल मैं खुद
میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ سوال بنتا ہے کہ حکومت اجازت کیوں دے رہی ہے, تو اس کا جواب میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ یہ تصادم چاہتے ہیں, ہم تصادم کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا راجی صاحب ایک اور بات, کل جب یہ مارچ ہوگا سب لوگ مینار پاکستان کی طرف جائیں گے تو پھر کیا پالیسی ہے؟ اگر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگ کہیں گے جانے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کراؤڈ پہ کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا, کر لیں اپنا جلسہ, آپ نے اجازت نہیں دی آن ریکارڈ, آپ لوگوں کی حکومت کی جو ذمہ داری جو ہے وہ ہے, لیکن اگر زیادہ بندے آ جاتے تو پھر کیا ہوگا, کیا آرڈرز ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ چاہے بندے کم ہوں یا تھوڑے ہوں, جو قانون کہتا ہے کہ 300 سے زیادہ بندوں کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہ قانون کو بھی ہاتھ میں لے رہے ہیں, عدلیہ کے احکامات جو ہیں ان کو بھی یہ بلائے طاق رکھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کو یہ خاطر میں نہیں لا رہے, جو ایس او پیز NCOC کی طرف سے اور انٹرنیشنلی ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو دی گئی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے. پھر کیا گرفتاریاں ہو سکتی ہیں کل اگر ان احکامات کو نہیں مانا؟ کیا یہ گرفتاریاں آن دی کارڈز لیڈرشپ کی؟ ہم سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں اور حالات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا, یہ ضروری نہیں کہ کل ہی ہم گرفتاری کریں. میرے خیال میں جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے اس کے خلاف کاروائی جلد یا بدیر ضرور ہونی چاہیے. چلیے بہت شکریہ راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کیا مجموعی طور پہ صورتحال اس حوالے سے میں بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے ابھی تک کوئی کنٹینرز نہیں لگائے جائیں گے, کوئی گرفتاریاں نہیں کی جائیں گی, کل کے جلسے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کیا صورت